प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं और प्रभु में जुड़े हैं। प्रियो, आज का जो हमारे सुसमाचार का भाग है वो हमें देखने के लिए मिलेगा लुका की सुसमाचार उसका अध्याय 2:25-38 तक, सेंट लुक चैप्टर 2:25-38। प्रियो, जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो हमें दो व्यक्तियों के बारे में देखने के लिए मिलता है, एक तो शमौन और दूसरी हन्ना। 25-35 तक हमें शमौन के बारे में देखने के लिए मिलता है और 36-38 तक हमें हन्ना के बारे में देखने के लिए मिलता है। तो प्रियो, हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों बुजुर्ग व्यक्ति थे। जी हाँ, ये दोनों बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो इसलिए आज हमारी कलीसियाँ भी सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाती है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मानती है। प्रियो, उस समय यहूदी लोग अपने देश को चुने हुए लोग मानते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि मानव के माध्यम से उनका राष्ट्र कभी भी सर्वोच्च विश्व महानता प्राप्त नहीं कर सकती है, जिसमें उनका मानना है कि उनके भाग्य में शामिल है। अब तक उनमें से अधिक संख्या में ये विश्वास किया गया था कि क्योंकि यहूदी चुने हुए लोग थे, वे किसी दिन दुनिया के स्वामी या गुरु और सभी राष्ट्रों के स्वामी बनने के लिए बाध्य हैं। उस दिन को लाने के लिए कुछ का मानना था कि कोई महान खगोलीय चैंपियन पृथ्वी पर उतरेगा, कुछ का मानना था कि दाऊद की वंश का एक और राजा पैदा होगा और वो पुरानी महिमा को फिर से पुनर्जीवित करेगा, कुछ का मानना था कि परमेश्वर स्वयं अलौकिक माध्यमों से सीधे इतिहास में टूट जाएंगे। लेकिन इन सब के विपरीत कुछ लोग ऐसे थे जो देश में शांत के रूप में जाने जाते थे। उन्हें हिंसा और शक्ति और झंडाओं वाली सेनाओं का कोई सपना नहीं था। वे निरंतर प्रार्थना और शांत चौकस जीवन में विश्वास करते थे जब तक कि परमेश्वर नहीं आते। वे जीवन भर चुपचाप और धीरज से परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहे। शमौन ऐसा था। प्रार्थना में, उपासना में विनम्र और वफादार उम्मीदों में वो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब परमेश्वर अपने लोगों की शांति देगा, लोगों को शांति देगा और छुटकारा देगा। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के माध्यम से उससे प्रतिज्ञा किया था कि परमेश्वर के अपने अभिषिक्त राजा को देखने से पहले उसका जीवन समाप्त नहीं होगा। शिशु यीशु में उसने उस राजा को पहचान लिया और प्रसन्न हुआ। अब वो शांति से जाने के लिए तैयार था और उसकी बातें सच हो गईं। तो प्रियो, यहाँ पर देखते हैं हम शमौन के बारे में। जी हाँ, 25 में लिखा गया कि यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर शमौन एक धर्मी पुरुष था, भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जोह रहा था। शांति से वो इस्राएल की शांति की बात, छुटकारे की बात जोह रहा था। तो प्रियो, हम अगर देखेंगे 34 में बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा गया कि इस प्रकार लिखा, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यहाँ पर शमौन ने यीशु मसीह को अभिषेक करते हैं और ये कहते हैं कि वो तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए। देखिए, बहुतों गिरने और उठने के लिए, तो यहाँ पर हम पहला कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के गिरने का कारण वही यीशु होगा, वो यीशु मसीह होगा। जी हाँ, ये एक अजीब और कठिन कहावत लग रहा है, परंतु ये सच है। ये इतना अधिक परमेश्वर नहीं है जो हमारा न्याय करता है।
हम स्वयं का न्याय करते हैं और हमारा निर्णय यीशु मसीह के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। यदि जब हम उस अच्छाई और प्रेम का सामना करते हैं, प्रेम का उत्तर देने में हमारा हृदय समाप्त हो जाता है, तो हम राज्य के भीतर है। यदि जब इस तरह का सामना किया जाता है तो हम ठंडे रूप से स्थिर रहते हैं या सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण होते हैं। हमारी निंदा की जाती है, जिस प्रकार बड़ी स्वीकृति होती है उसी प्रकार बड़ी अस्वीकृति भी होती है। जी हाँ मित्रों, यीशु मसीह वो होंगे जो कि बहुत से लोगों के गिरने का कारण होंगे। दूसरी बात, बहुत से लोगों के उठने का कारण भी वही होगा। जी हाँ, बहुत से लोगों के उठने का कारण भी वही होगा। किसी ने सही कहा था, लोगों को सबसे ऊपर जिस चीज की जरूरत थी वो थी उन्हें ऊपर उठाने के लिए एक हाथ नीचा करना। ये यीशु का हाथ है जो हमें पुराने जीवन से नया जीवन में पाप से अच्छाई में, लज्जा शर्म से महिमा में ले जाता है। जी हाँ, लज्जा से महिमा में और पाप से अच्छाई में और पुराने जीवन से नया जीवन में ले जाता है, और ये है प्रभु यीशु मसीह का हाथ। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का हाथ। तीसरी बात, उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह के प्रति कोई तटस्थता नहीं हो सकती। हम या तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं या उसके साथ युद्ध कर देते हैं। और ये जीवन की त्रासदी है कि हमारा अभियान अक्सर हमें उस समर्पण को करने से रोकता है जो जीत की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर शमौन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। वचन 34 में लिखा गया, बहुत ही सुंदर वचन लिखा गया मेरे प्रियो। क्यों, क्या लिखा गया? कि वही है जो बहुत लोगों का गिरने का कारण होगा और उठने का कारण भी होगा, और उसका बहुत विरोध का सामना करना होगा। ये शमौन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके माता मरियम से कहते हैं। तो शमौन देखिए एक वृद्ध व्यक्ति था और वो धर्मी पुरुष था, भक्त था, और इसराइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। जी हाँ मित्रों, पवित्र आत्मा उस पर था। जब हम पढ़ते हैं अध्याय 2 का 36 से 38 तक, वहां पर और एक व्यक्ति के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है और वो है हन्ना। हन्ना भी देश में शांत रहने वालों में से एक थी। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते सिवाय इसके कि ये वचन क्या बताते हैं। लेकिन इस संक्षिप्त व्याख्या में भी लुका ने हमें एक पूर्ण चरित्र रेखाचित्र तैयार किया है। तो हन्ना के बारे में जब हम देखते हैं वचन 37 में, वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। देखिए, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपासना उपवास और प्रार्थना कर रही थी दिन रात। वहां पर वो मंदिर में रहती थी, प्रार्थना सभा प्रार्थना भवन में रहती थी। तो हन्ना का जो खास बात हम देखेंगे, पहली बात, हन्ना एक विधवा थी। जी हाँ, हन्ना एक विधवा थी। विधवा मतलब हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं उनके दुख, उनका जो तकलीफ, उनको कष्ट कितना होगा। जी हाँ, फिर भी वो देखिए इतने दुखों के बीच में भी वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना कर करके वो उपासना करती रहती थी। वो दुख जानती थी पर वो कटु नहीं हुई थी। दुख हमारे लिए दो चीजों में से एक कर सकती है। ये हमें कठोर, कड़वा, क्रोधी, ईश्वर के प्रति विद्रोही बना सकता है, या हमें दयालु, नरम, अधिक सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है। ये हमारे विश्वास को लूट सकता है या ये विश्वास को और भी मजबूत और गहरा कर सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के बारे में कैसा सोचते हैं। अगर हम उसे एक अत्याचारी या तानाशाही के रूप में सोचते हैं तो हम उससे नाराज होंगे। यदि हम उससे एक पिता के रूप में सोचते हैं तो हमें भी यकीन होगा कि एक पिता
का हाथ कभी भी अपने बच्चों के बेवजह आंसू नहीं बहाएंगे। दूसरी बात, वो 84 वर्ष की थी। जी हाँ, देखिए वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसने उम्मीद करना कभी बंद नहीं किया था। बूढ़ी हो तो गई थी परंतु उम्मीदों को कभी उससे दूर करना नहीं दी थी वो। उम्र हमारे शरीर के फूल जैसे खिलते हुए चेहरा को और ताकत को छीन सकते हैं, लेकिन उम्र और भी खराब हो सकती है। साल हमारे दिलों के जीवन को तब तक हीन छीन सकते हैं जब तक कि उम्मीदें की एक बार हम मर जाते हैं और हम निरस संतुष्ट हो जाते हैं और चीज़ों के लिए गंभीर रूप से इस्तीफा दे देते हैं जैसे वे हैं। फिर से ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के बारे में कैसे सोचते हैं। अगर हम उससे दूर और अलग समझते हैं तो हम निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए मानते हैं जैसे कि उसका हाथ है, तो हमें भी यकीन होगा कि सबसे अच्छा होना अभी बाकी है। जी हाँ, सबसे अच्छा होना अभी बाकी है और साल हमारी आशा को कभी नहीं मारेंगे। तो प्रियो, हाना इतने बूढ़ी होने के बावजूद भी इतने खुश क्यों थी और मंदिर में प्रार्थना कर रही थी और कभी उस मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उस प्रार्थना भवन को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना के साथ वो उपासना करती थी। तो देखिए, उसने आराधना उपासना करना कभी नहीं छोड़ी। जी हाँ, उसने उपासना करना कभी नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों के साथ अपना जीवन बिताया। वाह, उसने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लोगों के साथ अपना जीवन बिताया। परमेश्वर ने हमें विश्वास में हमारी माँ बनने के लिए चर्च या कलीसिया को दिया है। जब हम उसके उपासक लोगों के साथ एक होने की अपेक्षा करते हैं तो हम अपने आप को एक अमूल्य निधि से वंचित कर लेते हैं। तो वो हन्ना आराधना या उपासना करना कभी भी नहीं छोड़ा। दूसरी बात, उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। देखिए, उसने प्रार्थना करना भी कभी नहीं छोड़ा। तो प्रियो, सार्वजनिक उपासना आराधना तो महान है, अच्छा है, लेकिन निजी उपासना भी महान है। हम अकेला उपासना प्रार्थना करना भी महान है, अच्छा है। जैसा कि किसी ने सच ही कहा है, वे एक साथ सबसे अच्छी प्रार्थना करते हैं जो पहले अकेला प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, जो पहले अकेला प्रार्थना अच्छे करते हैं वे सबके साथ मिलके भी अच्छे प्रार्थना करते हैं। बरसों ने हन्ना को बिना कटुता और अटल आशा में छोड़ दिया था, क्योंकि दिन वो दिन वो उसके साथ संपर्क रखती थी, जो ताकत में हमारी कमजोरी परिपूर्ण होती है, जो ताकत में हमारी कमजोरी परिपूर्ण होती है। तो प्रिय, हमने देखा कि वे बुजुर्ग होते हुए भी प्रभु परमेश्वर के काम में कितने उत्सुक थे, कितने इंटरेस्टेड थे। प्रियो, वे कितने बोझ के साथ प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सेवा में लगे हुए थे, शमौन और हन्ना। तो देखिए, वे लोग चुपचाप शांति से परमेश्वर की बात जह रहे थे। परमेश्वर की शांति अपने लोगों के ऊपर कब आएगा, ये वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना किसी का अपेक्षा करना, प्रतीक्षा करना, जैसे कि मनुष्यों को, मानवों को नहीं। वे चुपचाप शांति से ऐसे मसीहा को इंतजार में थे, मसीहा का प्रतीक्षा में थे मेरे प्रियो। और जब वे इस मसीह को देखते हैं तो उनका जो आकांक्षा है वो पूरा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने जो बुजुर्ग व्यक्तियों हैं उनको हम सेवा करें, क्योंकि वे, देखिए, वे परमेश्वर के एक अंग है, वे हमारे लिए परमेश्वर कहलाने वाले व्यक्ति हैं। तो मेरे प्रियो, आज हमने हन्ना और शमौन के जीवन के बारे में कुछ सीखा। अगर आपको इस वचन से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो प्रभु की महिमा के लिए आप इस वचन को शेयर करें और आप भी वचन को बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।